हेलो गाइस, मैं शिक्षा अग्रवाल। वेलकम टू द फोर्थ क्विज एग्जाम वीडियो। सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज सॉल्व इज इन ऑर्डर सक्सेसर इन पीएससी। सो लेट्स गेट टू दिस प्रॉब्लम। तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना, उसके अंदर टाइम सर्च भी दिया हुआ होगा और उसकी एक नोट ये भी होगी। अब अपने को करना क्या है ना, अपने कुछ फैमिली सर्च ट्री के इन ऑर्डर ट्रैवल सेल में इस नोट का सक्सेसर रिटर्न कर देना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इसी एग्जाम्पल से देखें तो इस एग्जाम्पल में फाइनली सर्च ट्री वाला दे रखा है और अपनी नोट है 8। मतलब अपने को इस फाइनली सर्च ट्री के इनऑर्डर ट्रैवर्सल में 8 का सक्सेसर प्रिंट कर देना है। तो अपन सबसे पहले तो इस फाइनली सर्च ट्री का इनऑर्डर ट्रैवर्सल देख लेते हैं। इनऑर्डर ट्रैवर्सल में अपन सब जानते हैं कि सबसे पहले तो लेफ्ट कैलकुलेट होता है, उसके बाद अपन प्रिंट करते हैं और फिर अपन उससे रूट के राइट भी देख पाते हैं। तो अपने इस फाइनली सर्च ट्री का रूट भी क्या है, अभी उसका रूट 20 है। तो अपन 20 का लेफ्ट कैलकुलेट करेंगे, अपन 8 पे आ जाएंगे। अब अपने रूट ये 8, तो अपन 8 से भी उसके लेफ्ट पे आ जाएंगे। सबसे पहले अपन उसका लेफ्ट कैलकुलेट करेंगे, तो अपने रूट ये 4, 4 का लेफ्ट नल है, तो अपन रिटर्न होके अपने रूट को प्रिंट कर देंगे, मतलब 4 को प्रिंट कर देंगे। और फिर अपन 4 से उसके राइट पे चले जाएंगे, उसका राइट भी नल है, तो अपन रिटर्न हो जाएंगे। 4 के सारे पार्ट्स कैलकुलेट हो चुके हैं, तो अपन 4 से रिटर्न होके 8 पे आ जाएंगे। 8 मतलब ये रूट को अपन प्रिंट कर देंगे और 8 से अपन उसके राइट पे चले जाएंगे। राइट अपना 12 है, तो 12 से अपन उसके लेफ्ट मतलब 10 पे चले जाएंगे। अपन 10 को प्रिंट करेंगे, फिर अपने 12 को प्रिंट करेंगे और फिर उसका राइट मतलब 14 प्रिंट कर देंगे। अब 12 के सारे पार्ट्स कैलकुलेट हो चुके हैं, तो अपन 12 से रिटर्न होके 8 पे आ जाएंगे। 8 के भी सारे पार्ट्स कैलकुलेट हो चुके हैं, तो अपन 8 से रिटर्न होके 20 पे आ जाएंगे। तो अपन ने 20 को प्रिंट कर दिया, उसके राइट मतलब 20 को प्रिंट कर दिया है। तो ये अपना इनऑर्डर ट्रैवर्सल हो गया है बाइनरी सर्च ट्री का। इसके अंदर अपने को क्या करना था, इसके अंदर अपने को 8 का सक्सेसर प्रिंट कर देना था। तो 8 अपना इधर है, तो उसका सक्सेसर क्या होगा, इसका सक्सेसर 10 होगा और 10 ही अपना आंसर है। मतलब अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं और अपन अपनी एक अप्रोच अच्छे से समझ चुके हैं कि अपन क्या कर सकते हैं। अपन इस बाइनरी सर्च ट्री का इनऑर्डर ट्रैवर्सल पहले तो कैलकुलेट करके एक एरे या फिर वेक्टर में स्टोर कर देंगे और फिर अपन क्या करेंगे, उसके अंदर अपन अपनी का जस्ट राइट वाला एलिमेंट या फिर जस्ट नेक्स्ट वाला एलिमेंट रिटर्न कर देंगे। ये अपनी एक अप्रोच हो सकती है। लेकिन इसके अंदर अपने क्या किया, अगर अपने को नॉर्मल बाइनरी ट्री भी दिया होता तो यही अप्रोच फॉलो करते हैं। तो इसके अंदर बाइनरी सर्च ट्री के अपने कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं की है और अपन क्या करेंगे, अपन इस बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को यूज करके इस क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन एक बार बाइनरी सर्च ट्री वाली अप्रोच देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक बार बोर्ड क्लियर कर देती हूँ। बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी होती है कि अपने जो भी पेरेंट एलिमेंट या फिर अपना जो भी उसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा या फिर लेफ्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा से छोटा होगा और उसका राइट वाला एलिमेंट हमेशा से बड़ा होगा। और अपना इनऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है कि उसके अंदर अपन सबसे पहले तो लेफ्ट को प्रिंट करते हैं, फिर अपने रूट को प्रिंट करते हैं, फिर अपन उसके राइट को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो अगर अपनी कुछ रूट दी भी है वो अपने पेरेंट एलिमेंट से छोटी होगी तो वो हमेशा अपने लेफ्ट में पाई जाएगी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन बोलेंगे कि अपने जो रूट वाला एलिमेंट है वो एक तरीके से उसका सक्सेसर हो गया है। तो अपन क्या करेंगे, अपन सक्सेसर में उस नोट को स्टोर कर लेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, अपन वापस ट्रैवर्स करेंगे। लेट्स सपोज ये भी अपना पेरेंट एलिमेंट है और ये भी अपने नोट से बड़ा है, मतलब अपनी जो नोट है वो इसके लेफ्ट में पाई जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, अपन सक्सेसर को अपडेट करके ये वाली नोट के बराबर कर देंगे और ऐसे करते करते अपने को लास्ट में जो भी सक्सेसर मिलेगा अपन उसी को रिटर्न कर देंगे। यही अपनी सिंपल सी अप्रोच होगी। तो एक बार अपन इसको इधर इस क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी अपनी रूट है 20 और अपने को नोट दी भी है 8। मतलब क्या होगा कि 20 जो है वो 8 से बड़ा होता है, तो अपने को 20 के लेफ्ट 8, तो 20 अपना एक सक्सेसर हो जाएगा। तो अपन सक्सेसर में क्या स्टोर कर देंगे, 20 को स्टोर कर देंगे। ठीक है, फिर अपने को 8 मिला जो कि अपनी नोट के बराबर है। जैसे ही अपने को कोई भी एलिमेंट के बराबर या फिर उससे बड़ा मिल जाता है तो अपन क्या करेंगे, अपन नोट के राइट में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो अपनी नोट के राइट में अपन रिडायरेक्ट हो गए, तो अपने को अब मिला है 12 जो कि अपनी नोट से बड़ा होता है। तो अपन क्या बोलेंगे कि 12 के लेफ्ट में ही अपने को 8 मिलेगा, इसलिए अपन क्या करेंगे, सक्सेसर को अपडेट करके 12 कर देंगे। ठीक है, फिर अपने को 12 के लेफ्ट में क्या मिला, 10 मिला। ठीक है, जो कि जो भी 8 से बड़ा होता है तो अपने को 10 के लेफ्ट में ही 8 मिलता। तो अपन क्या बोलेंगे कि अगर अपने को लेफ्ट में 8 मिल रहा है मतलब उससे छोटा है तो वो इन ऑर्डर में उससे बाद में ही आएगा, मतलब 10 8 से बाद में ही आएगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन 12 से अपडेट करके अपने सक्सेसर को 10 कर देंगे। अब 10 के लेफ्ट में अपन गए, अपने नल मिला, मतलब अपना बाइनरी सर्च ट्री का ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म हो चुका है। मतलब
8 कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, मतलब अपना सक्सेसर क्या हो जाएगा, अपना सक्सेसर 10 हो जाएगा, और 10 ही अपना आंसर है, मतलब अपनी अप्रोच एकदम एक्यूरेट है कि जब तक अपने को अपनी जो रूट है वो अपनी नोट से बड़ी मिलती जाए, तब तक अपने सक्सेसर में उसको अपडेट करते हो, और जैसे ही अपने को नोट जो है वो बराबर मिल जाए या फिर छोटी मिल जाए अपने नोट से, तो क्या करो उसके राइट में रिडायरेक्ट जाओ। ठीक है, ये अपना सिंपल सा सोल्यूशन था। तो एक बार अपन इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले तो एक आंसर बनाया है, तो इसके अंदर मैं अपने सक्सेसर को स्टोर करूंगी और लास्ट में उसी को रिटर्न कर दूंगी। फिर मैंने बोला है कि जब तक नल के बराबर नहीं है तब तक चलते जाओ। फिर मैंने बोला कि सबसे पहले तो देखो कि अगर अपना हमारा डाटा छोटा है या फिर बराबर है अपने नोट के डेटा से, तो अपने को क्या करना है, अपने के राइट में मूव करना है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, अगर अपने रूट का डेटा जो है वो बड़ा है अपने नोट के डेटा से, तो अपने को जो नोट है वो रूट के लेफ्ट में मिलेगी। ठीक है, तो अपना रूट जो है वो एक सक्सेसर हो जाएगा अपने नोट का, तो अपने आंसर में रूट को स्टोर कर लिया है और अपन रूट से उसके लेफ्ट हो जाएंगे। ऐसे करते करते अपने को अपना आंसर मिल जाएगा, तो अपन लास्ट पे अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। ये अपना सिंपल सोल्यूशन है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एक एक्यूरेट सोल्यूशन, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आया, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट हम आपको डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।